गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स नेम इज मूवमेंट्स इन एनिमल्स। बच्चों, हम इस चैप्टर में जो मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे मूवमेंट्स इन एनिमल्स पहला टॉपिक होगा हमारा, देन आफ्टर मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट्स किस तरीके से होता है वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अबाउट द बोन्स, मसल्स एंड कैटलरीज एंड अबाउट द जॉइंट, ईच एंड एवरी थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सरे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर, इन एवरी चैप्टर वी आर डूइंग एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करते हैं, चलिए जल्दी से हम उस एक्टिविटी को कंडक्ट कर लेते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम वेरियस रीजन्स सच एज अ सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं बहुत सारे रीजन्स की वजह से। उनमें से कुछ रीजन्स जैसे कि सर्च फॉर फूड, वो अपने खाने के सर्च के लिए भी जा सकते हैं, शेल्टर के सर्च के लिए भी जा सकते हैं, एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर एंड ऑल्सो फॉर द रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के लिए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। रिकॉल द वे बाय विच द एनिमल शो ब्लो मूव एंड राइट द स्पेस प्रोवाइड चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर दिए हुए गिवन है, जैसे हमारे पास 4 इमेजेस है, इनके अंदर कौन क्या करता है, स्विंग कौन करता है, फ्लाइंग कौन करता है, क्रीपिंग कौन करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, एंड होपिंग कौन करता है। तो स्विंग करती है फिश और फ्लाइंग करता है कौन करता है बच्चों, बटरफ्लाई। क्रीपिंग कौन करता है, क्रीपिंग करता है जो फर्स्ट वाला है टैडपोल वो, एंड होपिंग करता है फ्रॉग। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक, मूवमेंट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में मूवमेंट्स कैसे होता है। मूवमेंट्स इन एनिमल, ऑल एनिमल डू नॉट हैव बोन्स। आप जितने भी एनिमल्स देखेंगे सभी एनिमल्स में बोन्स नहीं होते हैं टू सपोर्ट देयर बॉडी मूवमेंट, उनकी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। एनिमल आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, जो एनिमल्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला, अभी हम दोनों ही कैटेगरीज के टाइप्स पढ़ेंगे, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन। पहला कैटेगरी होता है जिनके अंदर बैकबोन होती है और दूसरी कैटेगरी होती है जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है। एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इन्वेस्टबैक्टर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थवॉर्म हो गया एंड कॉकरोच हो गया, इनके अंदर बैकबोन्स नहीं होती है। ओके, और जिनके अंदर बैकबोन होती है उनसे हम बोलते हैं वेट्रेब्रेट्स। एग्जाम्पल हो गए कैट हो गया, डॉग हो गया, मैन हो गए, फिश हो गए एंड स्नैक्स हो गए, इन सब में बैकबोन होती है। मोस्ट वेट्रेब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। जो ऐसे होंगे जिनके अंदर बैकबोन्स होंगी उनके अंदर एक अंदर स्केलेटन का स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंस होगा। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, द एनिमल मूव इज कॉल्ड द गेट। द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ बैकबोन अफेक्ट द गेट ऑफ एनिमल। जो एनिमल है जो मूव करते हैं उनको हम गेट कहते हैं। ओके, और एब्सेंस और प्रेजेंस, बैकबोन के एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से उनके जो गेट के ऊपर है इफेक्ट हो सकता है। अब क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थवॉर्म हैव नाइदर एन इंटरनल स्केलेटन। जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है, नॉर एनी लिम्स, और उनके अंदर कोई भी लिम्स भी नहीं होती है। येट दे कैन मूव, वो क्या कर सकते हैं फिर भी मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल मसल्स। उनके पास क्या होता है बच्चों, स्पेशल मसल्स होता है। एंड हेयर लाइक द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेट बिलो देयर बॉडी। इफ यू ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म यू विल सी मैनी रिंग्स। आप इमेज में भी देख पा रहे हैं उनके बॉडी में बहुत सारे रिंग्स होते हैं, जिस रिंग्स को वो क्या करते हैं, वो बॉडी के पार्ट्स को, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, वो उन्हें छोटा करके फिर बड़ा करके अपने आप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर पाते हैं।
नाउ मूवमेंट इन स्नेल, स्नेल के अंदर मूवमेंट किस टाइप से होता है। स्नेल आर ऑल्सो नोन एज स्लो मूवमेंट, उनके अंदर बहुत स्लो मूवमेंट होता है। यू मे हैव सीन द हार्ड राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ द स्नेल, जो स्नेल होता है उसके टॉप पर आप एक हार्ड स्ट्रक्चर भी देखते हैं। दिस इज इट्स आउटर स्केलेटन कॉल्ड सेल, बट इट इज नॉट मेड फॉर बोन्स। द सेल हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्नेल फ्रॉम कोल्ड एंड बोन्स। द सेल हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्नेल फ्रॉम कोल्ड एंड डेंजर्स, जो उसकी सेल है वो उसको कोल्ड से और डेंजर से प्रोटेक्ट करती है। ओके और वो भी मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, वो अपने फुट के हेल्प से मूवमेंट कर पाते हैं जो स्नेल्स होते हैं। ओके एंड आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आपको चैप्टर नंबर 9 रीड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।